नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी ऑनली में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 19 जनवरी 2018 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की। इसका जो तीसरा चरण है वो कल यानी 20 जनवरी से शुरुआत होगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस जो जल स्वावलंबन अभियान है, इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी इसका जो पहला चरण था वो 27 जनवरी 2016 को जो गर्दन फेरी झालावाड़ में है वहाँ से शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था और अब इसका तीसरा चरण शुरू हो गया। आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है आरपीएससी ऑनली, उसकी प्लेलिस्ट में एक राजस्थान स्विजिस को लेकर एक वीडियो अपलोड है, उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अन अकेडमी पर भी एक राजस्थान सरकार की 28 प्रमुख योजनाओं को लेकर भी एक लेसन बनाया गया है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला जो न्यूज है वो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। कल इसका बैठक थी तो इसका उल्लेख आया था। जो राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया है, और इसके जो गठन किया गया है वो संविधान के आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी जो विधेयक जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था, उसके लिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था उसकी संख्या थी 122वीं, और जो संविधान संशोधन हुआ जीएसटी के लिए वो था 101वां। तो ये थोड़ा तो फैक्ट पता होना चाहिए। अब जीएसटी बाद में लागू कब से हुआ ये आपको बताना है। अगली जो न्यूज है वो अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है। अग्नि 5 मिसाइल को लेकर आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। जो अग्नि 5 मिसाइल है वो 5,000 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है, यानी 5,000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को वो नष्ट कर सकती है। ये एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी दागो और भूल जाओ, जिसको एक बार छोड़ने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एटम वेपन्स यानी परमाणु हथियार को ले जाने में भी सक्षम है, और इसका जो कल जो पहला इसका यूजर एसोसिएटेड टेस्ट किया गया। अग्नि 5 जो मिसाइल है, चूँकि 5,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, तो ये भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय, यानी कि अमेरिका को छोड़कर हम किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं इस मिसाइल की सहायता, इतनी मतलब उसकी रेंज है। तो हो अगर कल पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करे तो चीन को भी अटैक कर सकते हैं, या और भी कोई महाशक्ति रशिया और भी जापान वगैरह कोई भी जो अगर बचाने की कोशिश करे कभी भी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि भारत इसको हमेशा पीस वेपन्स कहता है, यानी शांति का हथियार। अब आते हैं अगली न्यूज स्लाइड पे। सबसे पहले जो न्यूज है वो गुरबीर एस ग्रेवाल से संबंधित है। गुरबीर एस ग्रेवाल किसी भी अमेरिकी राज्य में अटोर्नी जनरल बनने वाले पहले सिख है, यानी वो अमेरिकी राज्य में पहले सिख अटोर्नी जनरल बने हैं, और वो न्यू जर्सी जो वहाँ का प्रांत है वहाँ के अटोर्नी जनरल बने हैं। अब आपको दो सवाल के उत्तर देने हैं, एक तो भारत के अटोर्नी जनरल कौन है, और भारत के जो अटोर्नी जनरल होते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उनमें उनका प्रावधान किया गया है। अगली जो न्यूज है इंपॉर्टेंट न्यूज है, ICC अवार्ड 2017 से संबंधित है। तो इसमें जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है, जिसे सॉबर्स ट्रॉफी भी कहा जाता है, वो दिया गया है विराट कोहली को, और विराट कोहली चौथे भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्टीव स्मिथ को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है विराट कोहली को। तो एग्जाम ऐसा चकरा सकते हैं कि विराट कोहली के बारे में सत्य असत्य कथन छांटिए, उसमें दे देंगे विराट कोहली को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला तो नहीं मिला, वो स्टीव स्मिथ को मिला था। इसके अलावा 2020 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए युजवेंद्र चहल को मिला, वो भी भारत के ही खिलाड़ी हैं। ICC टेस्ट और वनडे टीम की भी घोषणा की गई, जिनके कप्तान विराट कोहली को बनाया गया। अब महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया, इसमें वो दिया गया एलिस पेरी को। अभी एलिस पेरी का नाम भले आप याद ना रखें, लेकिन ये याद रखना कि भारतीयों को नहीं मिला। एग्जाम ऐसे चकरा सकते हैं कि जैसे कि अपने मिताली राज के बारे में सत्य असत्य कथन छाट के वहाँ दे देंगे कि भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं और इन्हें हाल ही में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो थोड़ा सा मतलब फैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं एक अंतिम न्यूज है, वो है कि पूर्वोत्तर के जो 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, वहाँ पे विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो थोड़ा सा उस आइडिया होना चाहिए कि कहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो इसी के साथ आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।